सैटरडे है, आज हफ्ते का दिन है, वीकेंड है, तो सोचा आज एक बाहर चक्कर लगा लें। रिचमंड पार्क जाएंगे, फिर वहाँ से टिम होटल जाएंगे, कॉफ़ी शॉप वेस्ट लंदन में लोकेटेड है, और साउथ हॉल जाएंगे इन दी एंड, थोड़ा सा खाना पीना कर लेंगे, ग्रोसरी शॉपिंग कर लेंगे। मेरा नाम है वहाज और आप देख रहे हैं किंग वहाज 22। रिचमंड पार्क एक बहुत बड़ा पार्क है, वहाँ पे डियर घूम रहे होते हैं अक्सर। आज पूरा दिन बारिश है, वेदर अपडेट देख लेते हैं। आज पूरा दिन बारिश है, रिचमंड पार्क के लिए कोई ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। ये मेरा पहला व्लॉग है। This is King Wahaj 22, which is my dad, and this is me, his daughter. Ronnie is not to see. It's really cool. You guys see a sail? Let's go to the sail. Where is it? Where is it? Where is it going? Okay, I'll show you. Do you see it? Yep. I can catch you. मैं यूजुअली खाने पीने की वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट्स। जो हमारी बेगम है वो बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाती हैं और उसको हम अपने शॉर्ट्स में कन्वर्ट करके आप तक पहुँचाते हैं। तो सोचा कहीं बाहर चलते हैं, लेकिन वेदर साथ नहीं दे रहा है, बारिश है आज पूरा दिन। वेदर अपडेट मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। इस बारिश में रिचमंड पार्क का हमने प्लान बनाया, जो कि बहुत ही ख़राब प्लान लग रहा है, क्योंकि बारिश में आप बाहर पार्क में कैसे वॉक करेंगे, सब कीचड़ हो जाएगी। और जो पर्पस है जाने का रिचमंड पार्क, वो यही था कि चूंकि वो हमारे रास्ते में आता है, जाना हमें आज टिम हॉर्टन्स था, बल्कि है टिम हॉर्टन्स जो कि वेस्ट लंदन में है, और रिचमंड पार्क हमारे रास्ते में आता है। तो हमने कहा रिचमंड पार्क को टच करते हुए, डियर को अगर लकी हुए थे डियर को दिखाते हुए आप लोगों को, हमने तो अक्सर देखा हुआ है, और वहाँ से हम टिम हॉर्टन्स जाएंगे। टिम हॉर्टन्स क्यों? क्योंकि टिम हॉर्टन्स एक कैनेडियन कॉफ़ी शॉप है, और यहाँ पे ज़्यादातर स्टारबक्स और कोस्टा कॉफ़ी मशहूर हैं, और छोटे छोटे कॉफ़ी शॉप्स भी हैं वहाँ की अच्छी कॉफ़ी होती है। लेकिन टिम हॉर्टन्स क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हमें रिकमेंड किया गया है कि टिम हॉर्टन्स ज़रूर जाएँ और हमें रिव्यू दें आप, और वहाँ पर सुना ये है कि वो हलाल प्रोडक्ट्स भी बेच रहे हैं। टिम हॉर्टन्स अगर यूके में हलाल सैंडविचेस या हलाल कोई भी एक लाइन बर्गर लाइन या सैंडविच बेच रहे हैं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। देखते हैं वहाँ पे कैसा सिलसिला चलता है। अच्छा भाई, रिचमंड पार्क हम आ गए हैं और एंटर हो रहे हैं मेन गेट से रिचमंड पार्क। गाड़ी की स्पीड यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेडेस्ट्रियंस और साइकिलिस्ट घूमते रहते हैं, तो कहते हैं आप स्लो गाड़ी चलाएं। यार ये व्यू कितना ज़बरदस्त है, देखें क्या ज़बरदस्त व्यू है। यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिकेट हो सकती है। देखें पिच, देखें ये, देखें पिच रेडी है। और यहाँ पे अगर फर्स्ट करें हम एक दो मिड ऑन और मिड ऑफ की तरफ फील्ड सेट करें, छक्का तो दूर तक जाएगा, क्या ख्याल है? लंदन में मैं बहुत अरसे से मुकीम हूँ, बहुत काफ़ी अरसा टाइम हो गया, और आपको अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो लंदन के बारे में, यूके के हालात के बारे में, अगर आप सोच रहे हैं यूके आने का इस वक्त 2023 में जुलाई अगस्त ऑनवर्ड्स, मुझसे प्लीज़ एक कमेंट करके क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कि आपको किस बारे में आपको जानना है। यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के बारे में अगर आपको जानना है, तो आई थिंक आई वुड बी द राइट पर्सन टू आंसर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह मैं वाकिफ़ हूँ यहाँ के लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। कंपैरिजन अगर आपको करना है कि यूके जाना है या अमेरिका जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है, तो उसके बारे में मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुझे यहाँ के ज़्यादातर चीज़ें पता है, यहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं और यहाँ पे टैक्स का क्या मसला है, यहाँ के मसाइल क्या हैं यूके के, तो इस बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। और ये व्यू भी आप चेक करते रहें, ये व्यू जो है लंदन की जो ग्रीनरी है ना, ये बहुत मशहूर है यूके की, सॉरी लंदन नहीं सिर्फ पूरे यूके की, इसकी जो साइट सीइंग सबर्ब्स हैं और ये इस टाइप के जो पार्क हैं, ये यहाँ पे वॉक करने का बहुत बहुत मज़ा आता है। मेरा नाम है वहाज,
और आप देख रहे हैं मेरा चैनल, इसका नाम है किंग वाज 22। ये मेरा पहला व्लॉग है, मेरे पहले व्लॉग मेरा, मैंने पहले भी इससे पहले व्लॉग बनाए थे लेकिन पोस्ट नहीं किए मैंने कभी, वीडियोस ही एडिट करके पोस्ट नहीं किए। यूजुअली मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ। ये आज मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने कहा चलो यार आज मंजर आम पे आ ही जाए। जो शख्स, जो भी इंसान इस वक्त पाकिस्तान के हालात से दिल बर्दाश्ता है और वो बाहर आने की सोच रहा है, तो पाकिस्तान से अगर आप मूव होने का सोच रहे हैं तो मेरे ख़्याल से आप किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाके इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक यूएस का और यूके का बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पे इमिग्रेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जैसा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का होता है। ऑस्ट्रेलिया भी आई एम नॉट श्योर कि उसके इमिग्रेशन सिस्टम क्या है, लेकिन यूके में आप अगर आप आना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका वर्क परमिट का है, जो कि बहुत मुश्किल से मिलता है, और लेकिन वही एक सलूशन है अगर आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पे रहना है। स्टूडेंट वीज़े पे आप यहाँ पर ये सोच कर अगर आते हैं कि आप यहाँ पे आके रह जाएंगे और जॉब करते रहेंगे और वीज़ा आपका कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दूसरी कैटेगरी में, तो इसको अभी रिसेंटली न्यूज़ आई है कि उन्होंने बंद कर दिया सिलसिला। यूके में जो भी स्टूडेंट हैं वो अपना वीज़ा कैटेगरी, वीज़ा जो उनकी जो स्टूडेंट वीज़े की जो कैटेगरी वो चेंज नहीं कर सकते, दे हैव टू गो बैक, रिटर्न बैक टू द कंट्री वेयर दे हैव कम फ्रॉम, और उसके बाद फिर वहीं से अपनी ओरिजिन कंट्री से वो एक नई एप्लीकेशन फाइल करेंगे और फिर वहाँ से उन पर डिपेंडेंट होगा कि वीज़ा उनका लगता नहीं लगता। तो स्टूडेंट वीज़े पे जो आना चाह रहे हैं ये सोच के कि वो लॉन्ग टर्म यहाँ पे रह जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। यूके के हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ कि यूके में महंगाई ने किस तरह मुझ पर बुरी तरह, बहुत ही बुरी तरह असरअंदाज हमला किया है, समझे। मेरा जो एक कोई ख़ास बड़ा मैसिव कोई फ्लैट नहीं है, एक मुनासिब फ्लैट है, और उसका बिल पहले आता था अराउंड 100 पाउंड। गैस नहीं है हमारे फ्लैट में, सिर्फ इलेक्ट्रिक है। मैक्सिमम उसका बिल आता था 115 पाउंड 120 पाउंड मंथली की बात करूँ, और इस वक्त मैं 250 पाउंड पे करता हूँ हर मंथ। कैन यू बिलीव दिस? ऑनेस्टली ये सब हुआ है यूक्रेन की वॉर के बाद। यूक्रेन की और रशिया की वॉर जैसी हुई है, प्राइस रूफ तक चले गए और पूरे हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए। मैं आपको थोड़ा सा सैलरी ब्रेकडाउन भी कर देता हूँ कि भाई 2000 पाउंड जो भी यहाँ पे अर्न कर रहा है, 2000 पाउंड महीना मंथली जो यहाँ पे अर्न कर रहा है, वो बेचारा किस हाल में रह रहा है। वन बेडरूम का रेंट लंदन में इस वक्त थाउजेंड्स टू 1100 पाउंड है, तो 1000 पाउंड तो बेचारे कैसे चलेगा रेंट में। 200 पाउंड अराउंड उसकी 200-250 पाउंड डिपेंड ऑन द यूसेज उसका इलेक्ट्रिक का बिल हो गया महीने का, तकरीबन 180 पाउंड उसका काउंसिल टैक्स हो गया। काउंसिल टैक्स लेती है यहाँ पे, जिसमें वो ज़िम्मेदार होती है दूसरी रोड वर्क्स की, लाइट स्ट्रीट लाइट्स की, दूसरी चीज़ों की। 1000 पाउंड ये हो गया, 250 पाउंड इलेक्ट्रिक का बिल हो गया, 180 पाउंड हो गया, 150 पाउंड हो गया आपका काउंसिल का टैक्स। फिर दूसरी यूटिलिटीज़ आ जाती हैं, उसमें सब्सक्रिप्शंस आ जाती हैं, जिसमें आप नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन पे करते हैं, आप अमेज़ॉन प्राइम लेते हैं, आप चलें वो भी ना लें लेकिन आप चैनल्स देखने की, स्काई चैनल नेटवर्क है उसकी आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, उसका महीने का जाता है, ब्रॉडबैंड का जाता है, तो उसकी उसके आप पैसे अराउंड 50 पाउंड लगा लें, तकरीबन 50-60 पाउंड लगा लें। तो अब बात करते हैं ट्रैवलिंग की। ट्रैवलिंग अनदर इज़ वन ऑफ द बिग एक्सपेंस इन लंदन, और वो ये कि एवरेज मंथली अगर आप ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन बाय बस बाय ट्रेन आप सफ़र करते हैं, तो आपको जोन वन लंदन का जो TFL है, ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन, वो मैप देखें अगर आप, डिफरेंट जोन्स में डिवाइड किया गया है। मैं उस बारे में कभी और बात करूँगा कि वो क्या सिस्टम है, लेकिन उसका जो मंथली पास है वो अराउंड इट्स बीन अ वाइल के आई हैव ट्रेवल्ड ऑन द बस, आई थिंक नाना करके भी कोई
150 टू 200 पाउंड है महीना. आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, कमेंट में बताया मुझे कि TFL जोन 1, 2, 3 जो कि मेनली होते हैं उसका क्या एक्सपेंस है. अगर आपके पास गाड़ी है वो अगेन एक एक्सपेंस है, और गाड़ी का जो ख़र्चा होता है वो महीने का वो कोई ख़ास तो नहीं होता. कोई गाड़ी ज़्यादा गाड़ी ख़राब नहीं होती यहाँ पे, पुरानी गाड़ी भी अगर हो तो कोई ज़्यादा ख़राब खर्चा नहीं होता, लेकिन पेट्रोल का ख़र्चा है. खाने पीने का भी एक्सपेंस यहाँ पे लंदन में काफ़ी ज़्यादा हो गया है. अराउंड अगर 3 मेंबर हैं तो आराम से 400 to 500 पाउंड और मे बी 350 to 500 पाउंड एक्सपेंस खाने पीने पे खर्च हो ही जाता है. अब आप मुझे बताएं, जो बंदा 2000 पाउंड महीने का कमा रहा है उसकी सेविंग क्या हो गई? वो तो डेफिसिट में, वो तो बेचारा 100 पाउंड 150 पाउंड ऊपर ही जा रहा है हर महीने. इट्स नॉट लाइक यू आर लिविंग इन अ वंडरलैंड. 2000 पाउंड अगर पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो वो तो 7.5 लाख, कुछ 7 लाख 20 या 7 लाख 8 लाख बनेंगे. पाकिस्तान में लोग सोचते हैं कि भाई 10-10 लाख रुपये तुम कमा रहे हो, तुम 1 लाख रुपए नहीं भेज सकते पाकिस्तान में. व्लॉग थोड़ा मेरा, मैं नहीं चाहता कि थोड़ा व्लॉग मेरा बहुत ज़्यादा लंबा हो, बोरिंग हो. लंदन में आपको मैंने बता दिया एक्सपेंस क्या है. अभी तो आज हम भाई वीकेंड इन्जॉय करने दें, एक्सपेंस की बात निकल पड़ी है. थोड़ा सा मैं उदास हो जाऊँगा, सैड हो जाऊँगा. और सेविंग की तो बात ही नहीं करें आप, उससे तो मैं ट्रॉमा हो जाता है मेरा कि सेविंग क्यों नहीं हो रही भाई. तो आज हम ज़रा वीकेंड एंजॉय करने निकले. तो रिचमंड पार्क में हम लोग आए थे डियर देखने. वेदर थोड़ा सा बेहतर हो गया है, बारिश बादल बहुत है, बारिश भी थोड़ी सी रुक गई है, लेकिन डियर नहीं मिले हमें. तो इंशाल्लाह हम फिर कभी आएंगे यहाँ पे. कमेंट करें मुझे कि भाई हमें आपको देखना ही देखना है रिचमंड पार्क का डियर, तो फिर हम ज़रूर एफर्ट करेंगे. टिम हॉर्टन्स भाई, वाह वाह वाह. बारिश मुस्तकिल हो रही है लेकिन फिर भी हमने किसी तरह मैनेज कर लिया और हम टिम हॉर्टन्स आ गए. Honestly speaking, बर्गर तो अच्छा था लेकिन आई एम नॉट अ फैन ऑफ वेनिला. टोटल बिल हमारा बना 34 पाउंड समथिंग. उसमें 3 मील्स हैं जिस और एक हॉट ये ड्रिंक है. मैं वापस टिम हॉर्टन्स यहाँ पर आऊँगा या नहीं आऊँगा, आई हैव कम टू दिस डिसीजन दैट आई वोंट कम बैक हियर अगेन. उसकी वजह ये है कि इट्स टू फार, और हमारे घर से ये ऑलमोस्ट मोर देन 1.5 आवर है. अच्छा अब हम घर आ गए, बहुत थक गए, बहुत लंबा दिन था, बहुत हमने वॉक की. पहले हम रिचमंड पार्क गए, फिर वहाँ से टिम हॉर्टन्स गए, फिर साउथ हॉल गए. ग्रोसरी शॉपिंग नहीं हो पाई क्योंकि हम लेट पहुँचे और दुकानें बंद हो गई. हम वहाँ पे आए, वहाँ से हमें आइसक्रीम भी लेनी थी, हम नहीं ले पाए. बस साउथ हॉल से चाय और बिरयानी लेके आ गए. बिरयानी का मैंने एक शॉट आपको दिखा दिया था शॉप का कि कितनी बिजी थी, और सिर्फ 3 पाउंड में एक अच्छा खासी कंटेनर में वो बिरयानी दे रहे थे हमें. तो अभी मैं खाऊंगा. अच्छा आपको अगर व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. कोई भी सवाल हो किसी भी किस्म का यूके से मुतल्लिक आप मुझसे पूछें, मैं आपको अपनी इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको जवाब दूंगा या मालूम कर लूंगा. ख़ास तौर पे वो लोग जो इस वक्त पाकिस्तान से सोच रहे हैं यूके आने का, जो लोग मैं बहुत सारे व्लॉग्स में देख रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि कौन सा किस कंट्री में इस वक्त हम मूव हों. यूके के बारे में मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता हूँ कि यहाँ के क्या हालात हैं और कितना आपको पैसे अर्न आपको करने चाहिए जिससे आपकी एक रीजनेबल आपकी लाइफ डिसेंट लाइफ गुजरे. वहाज को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में हम फिर मिलेंगे. ये मेरा पहला व्लॉग था, कंप्लीट व्लॉग.
अल्लाह हाफिज़।